कुछ वक्त पहले केपॉप आइडल पार्क बोराम की डेथ की न्यूज सुनकर उनके फैंस और पूरी केपॉप इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका मिला था, जब ये पता चला था कि पार्क बोराम आखिरी वक्त पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और अचानक से उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह ही सुबह जब ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आई और पता चला कि कई सारे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कहना है कि पार्क बोराम की मौत की वजह अपनी खुद की जान लेना या फिर किसी का उन्हें मारना नहीं थी, बल्कि एक एक्यूट अल्कोहल पॉइजनिंग थी, उसके बाद से कई सारे फैंस को लगता है कि ये बातें सच नहीं है। दोस्तों, सुबह ही सुबह मैंने आपको एक वीडियो में इन्फॉर्म भी किया था कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने बताया है कि पार्क बोराम को मौत के टाइम पर थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, उनके लीवर में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करी और कुछ खाया पिया तो वो कंबाइन होकर एक फूड पॉइजनिंग में बदल गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि कई सारे लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी मिस्ट्री है जिसको पुलिस वाले नहीं सुलझा पाए हैं। पार्क बोराम के फैंस का कहना है कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स झूठी हैं और उनको अभी भी लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है। कई सारे लोगों का मानना है कि उस रात को पार्क बोराम के खाने में किसी ने कुछ ना कुछ मिलाया था, जिसकी वजह से ही ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो पहले ही जब उन्होंने ड्रिंक वगैरह करी थी तभी उनकी मौत हो जाती, तो फिर उसी रात को जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई तब ऐसा क्यों हुआ। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जिसने ये सब किया है उसने पैसा देकर सच्चाई को छुपा लिया हो और शायद इसीलिए किसी को भी पता ना चला हो। फैंस का तो ये भी मानना है कि शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट्स झूठी हैं और पैसा देकर इन्हें चेंज करवाया गया है और हो सकता है कि असली सच्चाई कुछ और ही हो। वैसे तो अब फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ही हमारा आखिरी आसरा है और इसी पर हमें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने इस केस को क्लोज करने का फैसला कर लिया है और उनका मानना है कि पार्क बोराम ने अपनी जान नहीं ली, ना ही किसी ने उन्हें मारा, बल्कि वो बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर गईं। लेकिन अभी भी फैंस का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और उन सभी का कहना है कि पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उनके फैमिली को भी इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि अभी इस न्यूज़ के बाद और इस ऑटोप्सी रिपोर्ट की मीडिया के बाद उनकी फैमिली का कोई फर्दर स्टेटमेंट आया नहीं है, क्योंकि जो भी अंतिम संस्कार वाली क्रियाएं थी वो पहले ही खत्म हो गई थी, तो शायद ये ऑटोप्सी रिपोर्ट अब सीधे उनकी फैमिली को ही मिल गई होगी। लेकिन आगे अगर पुलिस इस केस को ओपन करती है फैंस के मानने पर या फिर कुछ भी होता है तो वो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि उनकी मौत किसी की साजिश की वजह से हुई है या फिर सच में उन्हें कोई बीमारी ही हो सकती है। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।